सो हेलो गाइस, तो हमने ये ले लिया है एफएल स्टूडियो। तो आपके सामने मैं कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलिए बनाते हैं। तो ये हमने एक पैटर्न बनाया है, थोड़ा सा और बनाऊंगा। अगर सेड बनाना है तो धीरे धीरे नीचे ले जाइए, अगर हैप्पी वाला बनाना है तो धीरे धीरे ऊपर ले जा सकते हैं, तो बेटर रहता है। तो चलिए साउंड सुनते हैं। अब देख सकते हैं, थोड़ा इसको कलर करते हैं हम लोग, चलिए नाम नहीं लिखते हम, बस थोड़ा कलर करते हैं। तो चलिए ये हो गया। तो ये हमने दूसरा पैटर्न लिया है, बस सेम टू सेम इसमें जाएंगे, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, हो गया। तो इस पैटर्न को हम दूसरे में यूज करेंगे। तो मैंने एफएल कीज लिया है, बस चेंज किया है मैंने पैटर्न, और कंट्रोल प्लस भी। तो चलिए सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है। आप सुन पा रहे होंगे कि ये इमोशनल टाइप का बना है। तो अब दोनों को एक साथ हम लोग चेक करते हैं कि किस प्रकार, अगर ये साथ बजेगा तो किस तरह साउंड आएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो लिख दिया हमने, चलिए हो गया ये, अब सुनते हैं। को पैटर्न में डालने के लिए बताते हैं, तो इसमें जाइए, अब जो भी लिए हैं यहाँ पे से, आपने जो भी यहाँ से लिया है बस इसको ट्रैक में डाल दीजिए, इसको भी ट्रैक में डाल दीजिए, बस ऊपर नीचे कीजिए, आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उतना मिल जाएगा। काफ़ी बेटर साउंड कर रहा है इमोशनल सॉन्ग को। तो ये स्टार्टअप होता है जो 10 सेकंड 15 सेकंड का होता है, हमारा वोकल का जो एंट्री होता है उससे पहले जो होता है। तो ये इस प्रकार का तैयार है, और आप इसे बैकग्राउंड रिदम के रूप में भी ले सकते हैं। तो चलिए इतना है। अब मैं थोड़ा सा इस पे आपको, अगर आप और इसमें कुछ एंट्री करना चाहते हैं तो फिर पैटर्न क्लिक कीजिए, हमने कंट्रोल सी ले रखा है। तो इसमें हम लोग जाते हैं, कुछ अच्छा सा देखते हैं, चलिए पियानो पेड़ देखते हैं कैसा साउंड करता है। मिल गया हमको पियानो, तब तो इसको कंट्रोल प्लस भी, तो सुनते हैं कैसा साउंड करता है ये।
देखिए ये एक ही प्रकार का इसलिए ये साउंड करता है क्योंकि मैंने वही पैटर्न लिया है और जब भी इसको पेस्ट करता हूँ वो वही पैटर्न पे आ जाता है। ये काफ़ी बेटर साउंड कर रहा है, आप सबको साथ सुनते हैं। तो ये थोड़ा अलग साउंड कर रहा है और हम लोग इसमें आ चुके हैं। तो जैसे भी आपको पैटर्न अगर ऊपर करना है तो कंट्रोल प्लस ऑल कीजिए और इस पूरे पैटर्न को ऊपर ले जाइए जितना आपको चाहिए। तो मैंने इतना किया है, सुनते हैं कैसा साउंड करता है। कुछ और इफेक्ट लगा के इसमें चलिए बेटर साउंड नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसको नहीं लेते हैं, साउंड नहीं कर पा रहा बेटर। तो इतना ही आपको सुन सकते हैं पहले कैसा साउंड करता है ये। पैटर्न ले लिए हैं, फोर लेते हैं हम लोग। अब किक का यूज करते हैं साउंड को बेटर करने के लिए, किस प्रकार साउंड करता है ये सुनिए पहले किक को। आप सुन पा रहे होंगे कि किस प्रकार साउंड कर रहा है। तो तीन पैटर्न के बाद हम लोग इंट्रो के बाद इसको पेस्ट कर रहे हैं, तो सुनिए अब किस प्रकार साउंड करता है। तो ये हमारा बीट पैटर्न बन चुका है। तो आप इसी प्रकार कॉपी करके जनरल रेप टाइप का बीट बना सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।